वेलकम टू IMFIF एकेडमी। आई होप सभी छात्र अच्छे होंगे और आप सभी आर ओ आर ओ की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर में मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ, चाहे रोटेरिया हो, घटना चक्र हो, ठीक है। अभी घटना अफेयर आएगी, साथ ही प्रत्युत्तर दर्पण हो गया, फम्फ माई क्रॉनिकल हो गया, जो आपके मेन ऑथेंटिक फोर्स हैं करंट अफेयर के लिए। मैं उनसे लगातार चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको लगातार क्विज मिलते हैं, चाहे PYQ के हों, ठीक है, फैक्ट के हों, करंट अफेयर के हों, इमेज के माध्यम से फैक्ट भी आपको रिवाइज करवाया जा रहा है आर ओ आर ओ के लिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो जब आपका एग्जाम से पहले 20 दिन बचेगा तो आपको लाभ और भी ज़्यादा दिखेगा उस टाइम पर, ठीक है। तो उसको मिस मत करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपकी जो मैगजीन है, इसका नाम है घटना चक करंट क्विज अर्धवार्षिकीय, ठीक है। क्योंकि जब तक आपकी आई दृष्टि आंख वाली मैगजीन नहीं आ जाती या घटना फार नहीं आ जाता, तब तक के लिए हमें करंट अफेयर पर पकड़ बना के रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम पे चीज़ें थोड़ा हैक्टिक हो जाती हैं और हमें याद नहीं रहती, और करंट अफेयर में हमें जनरली स्कोर करना ही पड़ेगा बेहतर, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और करंट अफेयर में हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते, ठीक है। और लगातार हमने परफॉर्म भी किया है करंट अफेयर में, आप जानते ही हैं, जो वीडियो आते हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, क्वेश्चन तो आपको छोटा दिखेगा पर क्या है कि एक थीम वाइज करंट अफेयर है, उस थीम का पूरा डाटा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपको वो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जो उसके बारे में बताऊँगा, फिर आप खुद ही जो है क्वेश्चन को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो जो पहली थीम इन्होंने ली है करंट अफेयर की, वो लिया है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, ठीक है। ये इसका दूसरा संस्करण था, इसका आयोजन 3-5 नवंबर 2023 को हुआ है, और हुआ कहाँ है, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। और इसका उद्देश्य मेनली क्या था, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना और वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना, ये इसका मेन जो है उद्देश्य था, ठीक है। अब इसके आयोजन में कुछ भागीदार देश रहे हैं, जैसे नीदरलैंड रहा है, फोकस देश जापान रहा है, और इसका जो मुख्य विषय थीम थी वो समृद्धि से प्रसंस्करण था, और इसका शुभांकर जो था वो मिल इंड था, क्या था, मिल इंड, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह यानी जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, को मजबूत करने के उद्देश्य से 1 लाख से अधिक सेल्फ मतलब FHG सदस्यों को बीज पूरी जो है सहायता वितरित भी की थी, ठीक है। उन्होंने इस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का उद्घाटन भी किया था, इसमें क्षेत्रीय व्यंजन और शाही पाक विरासत को दिखाया गया। तो मेन चीज़ें क्या हैं जो जहाँ से प्रश्न बनता है जनरली, एक तो आपको याद रखना है कि भागीदार देश कौन था, नीदरलैंड, फोकस देश कौन था, जापान, थीम याद रखेंगे प्रसिद्धि समृद्धि से प्रसंस्करण, और उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था, भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली। तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, और कौन सा नंबर का था, दूसरा था, ठीक है। अब क्वेश्चन अटेंड करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3-5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया, पकड़ में आ गया, किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया तो पहला आपका सही हो गया, क्योंकि ये दूसरा ही था और प्रगति मैदान में हुआ भी है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हमारा अच्छे से एक तरीके से एक पूरा थीम जो है हमारी तैयार होगी क्वेश्चन के माध्यम से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली थीम जो इन्होंने ली है, अगली थीम है आपका, मैं थीम बताता हूँ क्या है आपकी, अगली थीम इन्होंने जो ली है वो ली है आपकी हुरन इंडिया फिलंथ्रॉपी लिस्ट 2023 जारी हुई है, ठीक है। तो इसको जो है आपका जो है इस सूची में 119 दानदाता व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्लियर हो गया, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक फ्यू नडार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, वित्त वर्ष 2022-23 में उन्होंने 2042 करोड़ रुपये दान दिए, इतना ज़्यादा डीप में जाता नहीं है, ठीक है। विप्रो के अजिम प्रेम जी जो है रुपये 1.1774 करोड़ रुपये दान देकर दूसरे स्थान पर आए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी एवं परिवार 376 करोड़ रुपये दान देकर तीसरे स्थान पर आए, ठीक है। जिरोधा के संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपये दान देकर सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बने, ठीक है, बहुत कम उम्र के दानदाता हैं ये, इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है नितिन कामत और निखिल कामत, ठीक है। तो पूछा गया प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने फैक्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। नवंबर 2023 में जारी आपके आपके जो हुरन इंडिया फिलंथ्रॉपी 2023 में
किफे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा फ्यू नडार, ठीक है, कौन है, फ्यू नडार साहब हैं नंबर एक पर, और इनकी कंपनी का नाम है एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है। चलिए प्रश्न तैयार हो गया आपका। अगला प्रश्न है, काफ़ी आसान प्रश्न है, तैयार भी होगा आपका। तो G20 सदस्यीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन, जिसे P20 कहा जा रहा है, 2023 का आयोजन हुआ, ये 9 नवंबर का था, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IISCC यशोभूमि नई दिल्ली में। लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला जी ने इसकी जो है अध्यक्षता की है। इसमें G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन से पहले 20 अक्टूबर 2023 को लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर एक संसदीय फोरम का आयोजन भी किया गया था। मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया था। प्रश्न क्या पूछा है वो देखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं इसको फैक्ट जानने के बाद। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में है, एफ भूमि नाम है, ठीक है, और अध्यक्ष पूछेगा तो ओम बिरला इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखते हैं, थीम वाइज क्या है। तो थीम वाइज जो आपका अगला प्रश्न है, जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी JKDFP, ठीक है, इसको विद विरुद्ध संगठन घोषित किया गया है 5 अक्टूबर 2023 को, और घोषित करता है गृह मंत्रालय भारत सरकार। घोषित किया गया है विद विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उपा 1967 की धारा 3(1) के अंतर्गत। यह संगठन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है वर्ष 1998 से। कृत्य क्या है, भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देना। इस संगठन के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं UPA 1967, IPC की धारा 1860, आर्म्स एक्ट 1959 एवं रणवीर दंड संहिता 1932 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। तो ये सारे मुकदमे हैं। तो प्रश्न क्या है पूछा गया है वो देख लेते हैं, प्रश्न हमारे लिए आसानी होगा क्योंकि हमने फैक्ट जान लिया है। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम उपा 1967 की किस धारा के अंतर्गत विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया, तो धारा हमने अभी पढ़ी, धारा 1967 की 3(1) यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो हमारी थीम है वो है वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान, ठीक है, इसका भूमि पूजन हुआ है 5 अक्टूबर 2023 को, कहाँ पर, जबलपुर मध्य प्रदेश में। भूमि पूजन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निर्माण लागत क्या रहेगी, लगभग 100 करोड़ रुपए लगेंगे। विस्तारित तो होगा लगभग 21 एकड़ क्षेत्र में। इसमें स्थापित की जाने वाली रानी दुर्गावती की प्रतिमा की ऊंचाई होगी 52 फीट। यह प्रतिमा होगी कांच से निर्मित। इस परिसर में प्रतिमा के अलावा होगा एक संग्रहालय, यह संग्रहालय प्रदर्शित करेगा रानी दुर्गावती की वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास। रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी के मध्य में गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया वीरांगना रानी दुर्गावती की 500 जयंती पर, ठीक है। प्रश्न क्या है देखते हैं, वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है पूछा गया है, तो ये फैक्ट है, अब आपको चूज करना है। पहला फैक्ट क्या है, 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया, हमने अभी पढ़ा, सही है। इसकी निर्माण लागत जो होगी 100 करोड़ रुपये होगी, हमने यहाँ पे पढ़ा इसको, ठीक है, या लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा, ये गलत है, 31 नहीं क्या होगा 21 एकड़ में होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको पढ़ा। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट की ऊंची प्रतिमा जो कि कांस्य प्रतिमा होगी स्थापित की जाएगी, तो ये सारे सही हो गए और सी गलत हो क्योंकि यहाँ पे 31 एकड़ दिया था जबकि क्या होगा 21 एकड़। तो पूरा प्रश्न हमें अच्छे से तैयार हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगली थीम क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास का लोकार्पण किया गया, ठीक है, शिलान्यास भी हो कुछ का हुआ है, कुछ का लोकार्पण हुआ है, जो अक्टूबर 2023 की घटना है। शिलान्यास और लोकार्पण की गई परियोजनाओं की लागत राशि लगभग 19,260 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो प्रश्न यही पूछा गया था कितनी लागत है, तो 19,260 करोड़ की प्रश्न का उत्तर मिल गया, सीधा प्रश्न था, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं वो थोड़ा सा मोटा मोटी हम देख लेंगे, हो सकता है कुछ चीज़ें पूछ लें, जैसे दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे PMAY ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से अधिक घरों के गृह प्रवेश और PMAY शहरी के तहत निर्मित घर जो है घर बनेंगे। शिलान्यास किया जल जीवन मिशन परियोजना और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और संरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों का। अन्य जैसे IIT इंदौर के शैक्षणिक भवन का लोकार्पण होगा और परिसर में छात्रावास और भवनों तथा इंदौर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला भी शामिल है। ये सारे कार्य थे, इंपॉर्टेंट है, कितने की थी तो उतना ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है।
2 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में हर घर फुलर अभियान शुरू किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपका, लखनऊ और वाराणसी, ठीक है, LKO और VSV, लखनऊ और वाराणसी। तो हर घर फुलर अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2023 को लखनऊ और वाराणसी में, ठीक है। अभियान के तहत लगाया जाएगा रूफटॉप संयंत्र, ठीक है। उद्देश्य क्या है, यूपी नीडा द्वारा ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट फोलर रूफटॉप संयंत्र लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हमारा टारगेट है। मैं इसमें भी आप इसको डालेंगे तो एक्स्ट्रा नंबर मिलेगा। अगली थीम देखते हैं, काफ़ी अच्छी थीम है। अगली थीम है तीसरा ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। किसके द्वारा, केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाना है, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्रॉफ टर्मिनल की आधारशिला भी रखी है। इस पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय का अनुमान है। प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 17 से 19 अक्टूबर 2023 को मध्य तीसरा ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट अहमदाबाद में आयोजित किया गया, ठीक है, जबकि ये मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है, तो पहला गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो कि सही है, तो केवल 2 इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन अजय, ऑलरेडी कई वीडियो में मैं इसको कवर कर चुका हूँ, छप सकता है, ठीक है। ये 11 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए युद्ध के कारण भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले 2 ऑपरेशन और दिए हैं, बैकग्राउंड में याद रखना है, ऑपरेशन कावेरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने का अभियान था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए अभियान था। तो हो सकता है कि मैचिंग में ऐसे आ जाए, एक तरफ दे दिए ऑपरेशन विजय, फिर ऑपरेशन कावेरी, फिर ऑपरेशन गंगा, तो अजय जब आएगा तो अजय भारत और इजराइल फैलाने के लिए हो जाएगा, कावेरी आएगा तो सूडान से, गंगा आएगा तो यूक्रेन से, तो मैचिंग में ऐसे आपका 3 बना के वक्त दिया जा सकता है, ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली थीम पिक करते हैं। अगली थीम क्या है, भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है। भारतीय वायुसेना दिवस जो है 8 अक्टूबर 2023 को मनाया गया है, ठीक है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना के 5 ऑपरेशनल कमानें हैं। एक आपकी पश्चिमी वायु कमान है जो कि नई दिल्ली में है, दूसरी मध्य वायु कमान जो प्रयागराज में है, तीसरी पूर्व वायु कमान शिलोंग में, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान जोधपुर में और दक्षिण वायु कमान तिरुवनंतपुरम में। इस ऑफर पर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित संगम क्षेत्र में एक भव्य एयर शो का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी के मध्य वायु कमान बमरौली प्रयागराज में भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण भी किया गया, तो यूपी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न के स्टेटमेंट हैं, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें कहा गया है कि 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया, तो कथन क्या था, इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना ने के नए ध्वज का अनावरण हुआ, सही बात है। इस अवसर पर प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का आयोजन किया गया, दोनों सही हैं, हमने अभी इसको पढ़ा, ठीक है। अगली जो हमारी थीम है उसके तहत आगे बढ़ेंगे। अगली थीम कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, ठीक है। तो मेन मेन चीज़ें देखते हुए चलते हैं। 5 अक्टूबर 2023 का घटना है, शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित परियोजनाओं की लागत राशि 5000 करोड़ रुपये। परियोजनाएं संबंधित हैं सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा क्षेत्र से। आधारशिला रखी गई परियोजनाएं हैं जोधपुर में एम्स, ठीक है, 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक। PMABHIM के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का विकास कार्य।
इसमें कई सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। राष्ट्र को समर्पित किया है IIT जोधपुर परिसर और राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य। 145 किलोमीटर लंबी डेगाना राय का बाग रेल लाइन, 58 किलोमीटर लंबी डेगाना कुचामन सिटी रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य है। इसमें हरी झंडी दिखाई है। जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन आपकी रुणीचा एक्सप्रेस, ठीक है। तो प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं, फिर हम अटेम्प्ट करते हैं प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजनाओं के संबंध में कौन सा विकल्प जो है इसमें सही नहीं है पूछा गया है। 3 सही हैं, गलत को पकड़ते हैं। पहला कह रहा है प्रधानमंत्री ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उसे राष्ट्र को समर्पित किया। अभी हमने पढ़ा, सही बात है। जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी गई, ये भी हमने पढ़ा। जोधपुर से दिल्ली को जोड़ने वाली ट्रेन रुणीचा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली, ठीक है, जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली, यहाँ जोधपुर से दिल्ली कह रहा है, तो यानी ये गलत हो गया। अगला है मारवाड़ जंक्शन को जो है खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। चलिए तो ठीक हो गया आपका, आगे बढ़ते हैं। अगली थीम है, काफी अच्छी थीम लग रही है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 जारी हुई है, ठीक है। 27 सितंबर की घटना है, जारी किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के सहयोग से। बहुत सी बातें इसमें कही गई हैं, जैसे कहा गया है कि यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। यह भारत में लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग सर्वे और वर्ष 2017-18 भारत सरकार की जनगणना, भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 तथा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2022 के उपलब्ध नवीनतम डेटा पर आधारित है। विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन व्यक्ति हैं। यह विश्व की कुल 7.9 बिलियन जनसंख्या का 13.9% है। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं। यह देश की कुल जनसंख्या का लगभग 10.5% है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का 20.8% होगी। ये सारे फैक्ट हमने पढ़े हैं, बहुत बारीकी से प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। 27 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के सहयोग से रिपोर्ट जारी की। सही बात है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट इन दोनों ने जारी किया, हमने यहाँ पर पहली लाइन में इसको अच्छे से पढ़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, ठीक है। ये भी सही कह रहा है, हमने पढ़ा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। बाकी 2050 तक 345 हो जाएंगे, जो कि 20.8% होगा, ठीक है। अच्छा फैक्ट हमने किया, इसको आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो भारत ड्रोन शक्ति 2023 के बारे में है। 25-26 सितंबर घटना है, कहाँ पर हुई है, वायुसेना स्टेशन हिंडन जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में देश भर के 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। इस दौरान स्पेन की एयरबेस कंपनी द्वारा निर्मित पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, स्पेन से आया है, ठीक है, C-295, इसको याद रखना है। प्रश्न देखते हैं क्या बनाया गया, फ्लैटन करने का प्रयास करते हैं। कहा गया है कि भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 का संबंध पर विचार करना है। 25-26 सितंबर 2023 में इसका आयोजन मध्य प्रदेश ग्वालियर में किया गया, जबकि हमने कहा पढ़ा हिंडन एयरबेस आपका गाजियाबाद में पढ़ा, ठीक है। तो पहला गलत हो गया।
इस दौरान पहला C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। बिल्कुल सही है, कहाँ से आया है वो आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ से आया आपका, ये आपका स्पेन से आया है, ठीक है। तो ये आपका इधर तैयार हो गया प्रश्न अच्छे तरीके से, आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका थीम जो है वो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण है। इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2023 को हुई है, शुरू किया गया है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा। यह चरण संचालित होगा आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना में फैले 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में। संचालित किया जाएगा अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के द्वारा। दूसरे चरण के पाठ्यक्रम में शामिल होंगे एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। तो यहीं से ही प्रश्न आपका बन जाता है भाई, प्रश्न यही पूछा गया था कि अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया। तो हमने अभी पढ़ा 54, कितने 54। अगली थीम देखेंगे क्या है थीम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है। 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की एक साथ शुरुआत हुई है, ठीक है। हरी झंडी किसने दिखाई है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 24 सितंबर 2023 को। 9 वंदे भारत ट्रेन क्या है जरा एक बार देखते हैं इनको। उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस, हैदराबाद बंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस, विजयवाड़ा चेन्नई रेणीगुंटा के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। तो पटना जाने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस। ये 9 ट्रेन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी 11 राज्यों में, जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में, ठीक है। तो प्रश्न क्या बना होगा देख लेते हैं, जल्दी आप कर ही जाओगे, कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं बना होगा। हाँ ये रहा प्रश्न, देखते हैं। तो पूछा गया है कि भाई 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है, ये आपके लिए टफ हो जाएगा, ये आपको चूज करना है। देखते हैं कितना याद है आपको। प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस बिल्कुल सही पहला ही पढ़ा हमने, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत ये भी हमने पढ़ा तीसरे नंबर पर, पटना दिल्ली ये दिल्ली वाला काम खराब हो गया, पटना हावड़ा था, ठीक है ये गलत हो गया आपका सी नंबर, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है ये सारे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला थीम देखते हैं क्या है। अगली थीम जो बन रही है वो ट्रेवल फॉर लाइफ, ठीक है। शुभारंभ 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विश्व पर्यटन दिवस 2023 के ऑफर पर शुभारंभ हुआ भारत मंडप नई दिल्ली में। क्या है ये, मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। यह शुरू हुआ पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यटन कार्यक्रम UNEP के साझेदारी में। उद्देश्य क्या है, पर्यटन मूल श्रृंखला में हितधारकों द्वारा संसाधनों का सावधानी पूर्वक और सोच समझ के साथ उपयोग करना। तो ये सारी चीज़ें इसकी रही हैं और हम देख लेते हैं क्या चीज़ें इसमें हैं। सितंबर 2023 में शुरू किए गए ट्रेवल फॉर लाइफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तीन कथन है बाकी आपको बताना है। 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है। इसे पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, ठीक है, UNWTO और UNEP के साथ साझेदारी के रूप में शुरू किया गया। तो ये सारे जो है सही है, हमने अच्छे से इसको पढ़ लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या आपको देखते हैं। अगला प्रश्न है 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण कहाँ, उत्तर प्रदेश में, लागत लगभग 1115 करोड़, लोकार्पण 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में, लोकार्पणकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह शुरू किया गया है विशेष रूप से COVID-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूर, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए। उद्देश्य क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना और बच्चों के समग्र विकास में मदद करना। इस विद्यालय में प्रत्येक 1000 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। 23 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में
लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, तो आपको चूज करना पड़ेगा, ये फॉर इफेक्ट आपको दिमाग रखने पड़ेंगे और फिर अटेम्प्ट करना पड़ेगा क्वेश्चन को, ठीक है। बट ये 16 नंबर याद करिएगा क्योंकि सीधे आयोग प्रश्न पूछता है इस पर, कई सारे प्रश्न, 1-2-3 प्रश्न लगभग मांग चलिए कि आपका पूछा जाता है कि नंबरिंग पर, ठीक है। अगर आप पेपर देखेंगे पीवाई को, तो ये नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, 16 अटल आवासीय विद्यालय दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो पहला है 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, सही। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किए गए, ये भी सही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित होगा। इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक में 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य रखा गया, नहीं, बिल्कुल हमने पढ़ा अभी 1500 नहीं, 1000, कितने, 1000। चलिए आगे बढ़ते, अगली थीम है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन हुआ है, ठीक है, 7 अक्टूबर की घटना है देहरादून उत्तराखंड में। किसके द्वारा? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस द्वारा। उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और थीम क्या रही है? अमृतकाल में पुलिसिंग, ठीक है। तो इसकी प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं क्या है। 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश, गलत दिया हुआ, जबकि कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में है। इसका थीम क्या था? अमृतकाल में पुलिसिंग, जो कि सही था। तो आसान प्रश्न था, इसलिए हमने इसको टैकल कर लिया। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश द्वारा 100% ODF प्लस कवरेज हासिल, ठीक है, और देखिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है यूपी के लिए। तो सितंबर 2023 की घटना है, किसके तहत हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत लक्ष्य हासिल कर लिया है राज्य के सभी 95,750 गांवों ने। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ODF प्लस महत्वाकांक्षी गांव 81,744। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था के साथ ODF प्लस उभरते गांव 10,217 और ODF प्लस आदर्श गांव 38,006। अब तक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 15,649 गांवों में, तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है 95,048 गांवों में। राज्य में 1 जनवरी 2023 तक घोषित ODF प्लस गांव 15,088, इसके बाद 9 महीनों की अल्प अवधि में ODF प्लस का दर्जा हासिल गाँव 80,000 से अधिक। तो काफी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के लिए, और सब उसी फैक्ट पे खेला है जैसे यहाँ पे कहा है कि, देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के, इसमें गलत बताना था आपको, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल हो गया, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। राज्य के सभी 95,750 गांवों के दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल हो गया, ये भी सही है। 1 जून 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य ने 80,000 से अधिक गांवों को ODF प्लस गांव का दर्जा हासिल किया, और यहाँ पे कह रहा है कि 95,750 ODF प्लस गांवों में 43,006 गांव ODF प्लस आदर्श गांव है। ODF प्लस आदर्श गांव जो है आपको 43,006 नहीं है, ये आपके 38,006 हैं। कितना है? ये आपके 38,006 हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में राष्ट्र को समर्पित रेल परियोजना, ठीक है, बारे में प्रश्न है। रायगढ़ में ये हुआ है और इसमें लगभग 6,350 करोड़ रुपए की जो है रेलवे परियोजनाओं को जो है मंजूरी दी गई है। आधार फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे, जैसे दुर्ग में आपका कोंडा गांव, राजनंद गांव, ठीक है, गरियाबाद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ जिलों में 210 करोड़ रुपए की लागत से। इस ऑफर पर वितरित किए गए 1,00,000 स्किल, ठीक है, सेल परामर्श कार्ड को। तो प्रश्न यही था, सीधे पूछा गया था कि भाई नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, तो हमने अभी पढ़ा दैट इज 6,350 करोड़ रुपए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023, ठीक है, तो 128वां है, 128 संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए जाने का प्रावधान है, तो आपका 33%, ठीक है। तो पारित हुआ है लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को, लोकसभा में पक्ष और विपक्ष में पड़े मत, पक्ष में 454, विपक्ष में 2। राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को आया था, पक्ष में पड़े 214, विरोध में 1 भी मत नहीं पड़ा राज्यसभा में, ठीक है। विधेयक का नाम है महिला आरक्षण विधेयक 2023।
विधेयक का सरकार द्वारा क्या नाम रखा गया? नारी शक्ति वंदना अधिनियम। ठीक है, प्रावधान क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल एक तिहाई 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ठीक है, यह लागू होगा लोकसभा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर। ठीक है, तो जो अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया PCI और फिनटेक कंजर्वेशन काउंसिल FCC द्वारा संयुक्त रूप से। थीम है ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इंक्लूसिव, रिजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। ठीक है, तो जो है ये सारी चीज़ें इसके अंदर हुई हैं। अब देखिए, तो ये आपका हो गया। अगर ये फ्रीज आपको अच्छी लगी हो, अगर आप इसे कंटिन्यू करने को कहेंगे तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बिकॉज काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वे में वीडियो दिया गया है, तो चीज़ें क्या होती हैं, ये लॉन्ग वीडियो भी होता है। ठीक है, 2 घंटे वीडियो बन जाएगा तो उसमें फायदा नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि ये लाभदायक है देन ये फीस जो है फॉलो होगी, अदरवाइज कहेंगे तो क्विज के फॉर्म में जो मेन चीज़ें होंगी वो क्विज के फॉर्म में टेलीग्राम में आपको दे दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है।